दोस्तों, सोशल मीडिया के इतिहास में शायद ही भारत में अब से पहले ऐसा हुआ हो कि लोकतांत्रिक देश भारत में इंस्टा, ट्विटर या फेसबुक के ऑफिस पर पुलिस की स्पेशल सेल रेड करने पहुंची हो। मगर बात रेड की नहीं बल्कि रेड के बाद की है। बात है ट्विटर और बीजेपी के बीच शुरू हुई लड़ाई में जीत किसकी होगी। नमस्कार आदाब, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं Time24 न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ट्विटर से लिए गए ये स्क्रीनशॉट देखिए। ट्विटर के गुरुग्राम स्थित ऑफिस में कल शाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पहुंची। उस वक्त सोशल मीडिया पर दावे किए जाने लगे कि ये रेड है, मगर क्यों वो हम आपको बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि ट्विटर पर आज की नई मांगों को लेकर मोर्चा खुला है, यानी ट्विटर पर आज क्या ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि हुआ क्या था, तो समझिए क्या है पूरा मामला। दरअसल संबित पात्रा ने 18 मई को किए अपने ट्वीट में एक कागज साझा किया था जिसमें कांग्रेस का लेटर हेड था और उसमें ये बताया गया था कि सोशल मीडिया पर किस तरह ट्वीट और जानकारी साझा करनी है। बीजेपी के तमाम नेता इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर थे। दूसरी ओर कांग्रेस इसे लेकर फर्जी बता रही थी और पार्टी ने इसके खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज करवाया था। मगर उसके अगले ही दिन यानी 19 मई को गुरुवार रात ट्विटर के एक एक्शन से बीजेपी और संबित पात्रा को बड़ा झटका लगा। ट्विटर ने संबित पात्रा के इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया, यानी तोड़ मरोड़ कर पेश करना। ट्विटर के मुताबिक संबित पात्रा ने ट्वीट करके जो जानकारी साझा की है वो सही नहीं थी और गुमराह करने वाली थी। अब समझिए कि ट्विटर ऐसा एक्शन कब और क्यों लेता है। दरअसल ट्विटर की दुनिया में अपनी पॉलिसी है जिसके मुताबिक अगर कोई जानकारी आपने ट्वीट की है और वो तथ्यात्मक रूप से गलत है तो उस पर ये लेबल लगा दिया जाता है। इससे पहले ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई ट्वीट्स को भी मैनिपुलेटेड बताया था और बाद में उनका अकाउंट अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया था। मगर संबित पात्रा के ट्वीट मैनिपुलेटेड बताना भाजपा को इतना नागवार गुजरा कि अब भाजपा ट्विटर पर ही कार्रवाई पर उतारू है। खैर, जब ट्विटर के दफ्तर में पुलिस की स्पेशल सेल के लिए दरवाजे बंद मिले तो पुलिस के अधिकारियों की ओर से कहा गया कि पुलिस सिर्फ नोटिस देने वहां तक गई थी। मगर सबसे जरूरी बात जिस पर मुख्य धारा की मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई वो है आज के ट्विटर ट्रेंड की। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद से अब तक ट्विटर पर एक नंबर पर ट्रेंड कर रहा है आई स्टैंड विद ट्विटर इंडिया। समाचार लिखे जाने तक 72,000 से ज्यादा यूजर्स आई स्टैंड विद ट्विटर इंडिया चलाकर ट्विटर आजादी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। इसके साथ ही ट्विटर पर ही भारत में ट्विटर को बैन करने की मांग उठाई गई, यानी अगर सरकार ट्विटर को बैन करेगी तो दुनिया में भारत की क्या तस्वीर होगी। जबकि ट्विटर अपनी कार्रवाई पर सफाई दे चुका है कि वो अपनी कार्रवाई पर कोई भी सफाई देने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मगर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर दें ताकि ऐसी ही खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।